आज के सत्र में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में हैं भ्राता ईवी गिरीश, जिनको 20 वर्षों से भी ज़्यादा इस जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का अनुभव है, जो लगभग 20 वर्षों से ही ट्रेनिंग और काउंसलिंग फील्ड में सक्रिय हैं। देश के जाने माने ट्रेनर कम काउंसलर हैं। IITs हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, इसरो हुआ, टाटा ग्रुप हुआ, बहुत सारे ग्रुप्स में आप रेगुलर अपने सेशंस देते हैं। बेसिकली आप केरला से हैं, मलयालम अच्छी जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं पे भी आपकी बहुत शानदार पकड़ है, और साथ साथ आपके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ अलग हटके हैं। आपके कुछ टॉपिक्स जो जिन पर आप विशेष आपके मॉड्यूल्स हैं, लव द एलिक्सियर ऑफ लाइफ, स्लीप मैनेजमेंट, साइंस ऑफ साइलेंस, एनहांसिंग माइंड पावर, इमोशनल फ्रीडम, हैप्पीट्यूड, जो हैप्पी एटीट्यूड है उस पर इनका एक सेशन है, हैप्पीट्यूड, शानदार सेशन, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, हैप्पी बिजनेस मॉडल, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, एंगर मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ अभिनंदन है भ्राता ईवी गिरीश जी का। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, दिल से कहें ओम शांति, थोड़ा मुस्कुराकर, खुशी से, उमंग उत्साह से, एनर्जी के साथ कहिए ओम शांति। नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? किया, अच्छा। नमस्ते, हाथ तो जोड़िए। कुछ लोगों का नमस्ते तो ऐसे ही है, नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? इज योर मॉर्निंग गुड? क्यों, व्हाई इज योर मॉर्निंग गुड? बिकॉज यू आर हियर। अच्छा, ये मैडम का तो मॉर्निंग इसके पहले कभी गुड ही नहीं था, क्योंकि आप कभी थे ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, इतना नहीं था। चलिए, आप लोगों ने सिस्टर शिवानी को तो सुना ही होगा टीवी में, ठीक है। आज मैं आपके सामने एक और सिस्टर शिवानी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। रेडी हैं सुनने के लिए? आप सब शिक्षक हैं ना? यू आर ऑल टीचर्स? या तो हमारे बीच में एक बहुत सुंदर छोटी कुमारी है, वो 2 मिनट आपको कुछ संदेश देना चाहती है, ठीक है। उनका स्वागत करिए जोर से ताली बजा करके। हाँ, इधर इधर नजदीक। हाँ, एक और बार ताली से स्वागत करेंगे। एक मिनट। ओम शांति। मैं भी के दानिया, आप सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। आप सबकी कड़ी मेहनत से आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज हमारा समाज शिक्षित है, प्रशिक्षित है, लेकिन नैतिक मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। इनकी फिर से स्थापना के लिए परमपिता शिव परमात्मा यहाँ आए हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद आप सब अपने आसपास के सेंटर में जाके राजयोग जरूर सीखना। मैं भी जाती हूँ रोज अपने मम्मी पापा के साथ। ओम शांति। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। धन्यवाद।
आज का जो हमारा विषय है वो है डी क्लटरिंग द माइंड। ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम कहते हैं डी क्लटर, और अगर मैं उसका हिंदी रूपांतरण करूं तो बहुत सिंपल है, थोड़ी सी सफाई करना। जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड होता है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है, उसमें थोड़ा सिस्टम को हम क्रिएट करें। लेकिन कहाँ पे सिस्टम क्रिएट करना है, कहाँ पे क्लैरिटी लेकर आना है, मन में क्लियर लेकर आना है। मुझे याद आता है, वैसे भी हम थोड़ा सा लेट हैं, कार्यक्रम शुरू होना था 9 बजे, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9:28। आप चिंता नहीं करिए, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। मैंने मुंबई में करीब 10 साल पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इज़ इट ओके इफ़ आई यूज़ हिंदी ऑल्सो? यू आर वेरी क्लियर? या थोड़ा इंग्लिश को भी मिक्स कर दूंगा, प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दूँ, ठीक रहेगा? ये हिंदी इंग्लिश मिक्स सुनकर ना बड़ा तकलीफ़ होता है, क्योंकि शुद्धता का ज़माना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है। ठीक, बट दैट्स ओके, ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग रादर देन द सैंक्टिटी ऑफ अ लैंग्वेज। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी सुविधा के बारे में चिंता कर रहा हूँ। मैं सेल्फ सर्टिफाइड गुड टीचर हूँ। मैं अपने बारे में ही सर्टिफिकेट दे देता हूँ, क्यों एक अच्छा टीचर हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैंने एक बार अपने विद्यार्थियों को पूछा कि एक अच्छे मूल्यनिष्ठ आइडियल टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, व्हाट गुड थिंग्स यू वांट टू सी इन अ टीचर। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे नॉलेज, द कमांड ओवर द सब्जेक्ट, ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आपकी पेडागॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू नो, आप सबको बांध के रखना होना चाहिए, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स शुड बी इमैक्युलेट। ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में ये सब विशेषताएं होनी चाहिए करके बोलेंगे। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड, एक बैक बेंचर स्टूडेंट था, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा खतरनाक आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा बोलो, अब हाथ तो ऊपर उठा दिया था, कुछ कह तो नहीं सकते। मैंने कहा यस यंग मैन, टेल मी व्हाट वन गुड क्वालिटी यू वांट इन अ टीचर। वो कहता है सर, बाकी सब गुण हो या ना हो, भले क्लास लेट शुरू हो, टाइम पर ख़त्म कर दिया करो, ये विशेषताएं मैं देखना चाहता हूं अपने टीचर। आप लोग ने ताली किसके लिए बजाई? किसके लिए बजाई ताली? फॉर द मैसेज, इट वॉज नॉट अ मैसेज। ओ गॉड, कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरे लिए बजा रहे हैं कि खुद के लिए बजा रहे हैं कि उस बच्चे के लिए बजा रहे हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, डोंट वरी, 10 o'clock को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, भले लेट शुरू हुआ है, आई विल नॉट एक्सटेंड माई टाइम। आज का जो हमारा विषय है डी क्लटरिंग द माइंड, मन में जो अस्त व्यस्त है, मन में जो बहुत ज़्यादा अनवांटेड फाइल्स, फोल्डर्स, बातें हैं, उसमें क्लैरिटी लेकर आना। मुझे याद आता है पहली बार जब गिरीश भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के ऑनरेबल लेट पूर्व राष्ट्रपति जी, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ बहुत ही क्लोजली उनका संबंध था, जब वो चीफ थे DRDO के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम द साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर तो प्रेसिडेंट भी बने, एंड बहुत कुछ उनका प्राप्तियाँ थी। लेकिन जब वो DRDO के चीफ थे, ही वॉज वर्किंग ऑन टू 3 projects, वन वॉज हार्ट अटैक, सेकेंड वॉज कैंसर, एंड थर्ड वॉज एड्स। और डॉक्टर कलाम को उस समय पता चला कि भारत सारे विश्व में नंबर 1 है विथ मैक्सिमम हार्ट अटैक्स, और भारत के 70% से ज़्यादा से लोग, मोर देन 70% ऑफ द इंडियंस हु स्टे इन विलेजेस कैनॉट इवन अफोर्ड एन एंजियोग्राफी। वो एक एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। एंड डॉक्टर कलाम बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, और
डॉक्टर कलाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने टाई अप किया। उनके डीआरडीओ के साइंटिस्ट, ब्रह्मा कुमारीज के हमारे मेडिकल विंग के डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, प्लस हमारे ब्रह्मा कुमारीज बहनें जो मेडिटेशन एक्सपर्ट थे, ये तीनों का बहुत अच्छा, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, उन सबको भी लिया साथ में, और 8 साल रिसर्च किया। और 8 साल के रिसर्च में हमारा आज, आप यहाँ से जाने के पहले प्लीज़ इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझें। इट्स अ ब्यूटिफुल सिनर्जी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्म का बहुत सुंदर समन्वय। और जब डॉक्टर कलाम पहली बार हमारे नीचे शांतिवन के बड़ा कॉम्प्लेक्स में जब आए थे, वो यूथ को एड्रेस कर रहे थे, और उस सभा में मैं भी मौजूद था, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू हिम। डॉक्टर कलाम ने अपने प्रेजेंटेशन में फर्स्ट चीज उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने कहा, हम यूथ को कहा, दिस इज़ नॉट टुडे, दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 15, मोर देन 15 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ, 1990, मे बी 98, 99, 2000 की बात होगी। उन्होंने हमसे पूछा, स्टूडेंट्स से पूछा, यूथ से पूछा, आई हैव अ ड्रीम फॉर मदर इंडिया, मेरा एक सपना है भारत के लिए कि सन 2020 तक, बाय द ईयर 2020, इंडिया शुड बिकम अ सुपर पावर इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड बी नंबर 1 इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। हमने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई, क्योंकि शायद इसके पहले ऐसे कोई राष्ट्रपति जी या ऐसे कोई स्टेट्समैन नहीं थे जिन्होंने भारत के लिए इतना सुनहरा सपना देखा। डॉक्टर कलाम ने कहा, लेकिन एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा, कौन सी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 हो सकता है, विथ वॉट रिसोर्स कैन इंडिया बिकम नंबर 1 इन द होल ऑफ द ग्लोब। वी वर सो एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विद डॉक्टर कलाम, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने बहुत इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन करते हैं, वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, वो डायलॉग करते हैं, एंड ही वॉज एलिसिटिंग यू नो ब्यूटिफुल रिप्लाइज। हमने कहा विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, हमने कहा डॉक्टर कलाम को इम्प्रेस भी करना चाहते थे, हमने कहा सर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पोखरण ब्लास्ट, सेकेंड पोखरण ब्लास्ट में ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा सर स्पेस टेक्नोलॉजी, GSLV, PSLV, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, यू नो मार्स, ही वॉज एन ISRO साइंटिस्ट। डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, डिजिटल इंडिया, और माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को पूरे विश्व में सिर्फ एक भारतीय CEO मिलता है, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, और कोई नहीं मिलता उनको। तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर कलाम को कहेंगे बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर। डॉक्टर कलाम सेड नो। हमने कहा भारत की जनसंख्या, इट्स 130 करोड़ इंडियंस भर भर के, इफ $1 इज नॉट इक्वल टू रफली और 70 रुपीज, इफ $1 इज इक्वल टू 70 इंडियंस, माई गॉड, द GDP कॉन्ट्रीब्यूशन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ 70 odd इंडियंस, वी लुक पॉपुलेशन एज अ प्रॉब्लम, यू कैन लुक इट इट एज अ बेनिफिट ऑल्सो। डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा द इंडियन इकोनॉमी, ये 2009 के पहले की बात बता रहा हूँ, 2009 का US में सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी कुड सस्टेन दी प्रेशर्स, क्यों, हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बड़ा था। डॉक्टर कलाम ने कहा नहीं। और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा, डबल डिजिट ग्रोथ रेट था हमारा, डबल डिजिट ग्रोथ रेट में आना इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, वी वेर एट अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा भारत की महिलाएं, विमेन, नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, अगर भारत की माताएं बहनें जागृत हो गई तो शायद ये नंबर 1 लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर कलाम सेड नो। हमने कहा एजुकेशन, डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर हमने कहा वी गॉट एग्जॉस्टेड एक्चुअली। फिर हमने कहा डॉक्टर कलाम, तब तो एक ही व्यक्ति भारत को नंबर 1 लेकर आ सकता है। डॉक्टर कलाम ने कहा वो कौन है। हमने कहा हम यूथ, हम ही बैठे हुए थे, हमको लगा कि शायद डॉक्टर कलाम हमको एम्फसाइज करना चाहता है, तो हमने कहा हम ही कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा सर आप ही बता दीजिए, अब कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हम नंबर 1 आ सकते हैं, कैन यू गेस, स्पिरिचुअलिटी, टू गुड। आप टीचर्स बहुत स्मार्ट हैं, जो विषय होगा ना, जिस स्थान पर बैठे हो ना, वही उत्तर दे दो, ठीक है ना।
टीचर्स हाँ जी ओवर ओके ऑल द अदर ऑप्शंस गॉट एग्जॉस्टेड. डॉक्टर कलाम इन हिज ओन इम्फैटिक स्टाइल पता है एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. डॉक्टर कलाम ने उस समय कहा एक महाशक्ति जिसके आधार पर भारत नंबर वन हो सकता है वो है एन इग्नाइटेड माइंड, एक प्रज्वलित मन, एक अच्छा मन, एक सशक्त मन, एक शांत मन, एक स्टेबल मन, एक पीसफुल मन, एक क्रिएटिव माइंड. ये सब होने के लिए ना क्लटर नहीं होना चाहिए, डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेजेंट पीसफुल ब्यूटिफुल माइंड. डॉक्टर कलाम गोज ऑन टू राइट अ बुक एन इग्नाइटेड माइंड and in his book he mentions his association with the brahma kumaris page number 89 90 91 92. us page mein unhone likha my experience with the brahma kumaris and how 100% heart block 90% 80% you need not even touch the patient, you can regress the 100% blockages to almost around 30% 40%. aaj hamare paas more than 10,000 angiographic reports hain which substantiates हमारा जो रिसर्च है कि एक अच्छा मन के आधार से आप अपने शरीर को भी ठीक कर सकते. ये मन इतना अच्छा है. हमारा मानव का एक साइकोलॉजी है, वी हैव अ साइकी और वो साइकी है वी ऑलवेज वी वांट टू फिल आवर हाउस, भरते हैं हम घर को, वी फिल आवर कबर्ड्स, वी फिल आवर स्टोरेज यूनिट, वी फिल आवर कार, वी फिल आवर गराजेस, we keep on filling our emails, we fill our whatsapp, we fill our galleries. mobile ki gallery ki baat kar raha hu. yes, and uske piche ka jo understanding kya hai pata hai, the more I have the more I'll be happy, but it does the other way round. it actually perpetuates you know overwhelming. We don't know what to do with it. और दुख की बात बताऊं, आज शायद बुरा मत मानिएगा. If you feel it is okay, it is okay. अगर if you feel it is not okay, please stand up and you can challenge me. क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को ठीक करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ये संस्था बनी ही नहीं है. It only brings me close to the realities of life. आज हमारा maximum time जाता है delete करने में. डाउनलोड कर देते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन देखने का टाइम नहीं है कि पता नहीं क्या है. और फिर जब एक्सेसिस हो जाता है ना किसी भी चीज का, तब तो फिर जब हैंग होना शुरू होता है ना, तो सबको सेलेक्ट करो ऑल का तो आप अच्छा लग रहा है. अनफॉर्चुनेटली द सेम इजी टेक्निक ऑफ डिलीशन इज नॉट पॉसिबल हियर एंड दैट्स वेयर द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज. यस और नो? मुझे इस बात की खुशी होती अगर हमारे भाई साहब मुझे माइक देने से पहले, मुकेश भाई, कहते थे डियर फ्रेंड्स बिफोर प्रोफेसर गिरीश स्टार्ट्स हिज सेशन प्लीज कीप योर हाँ जी मोबाइल फोन ऑन अ स्विच्ड ऑफ मोड और अ साइलेंट मोड. क्वेश्चन, क्यों ऐसा कहा जाता होगा? और हम टीचर्स तो बहुत अच्छी तरह बोलते हैं क्लास में, और कई जगह तो डिसिप्लिनरी एक्शन में अगर मोबाइल पकड़ा गया तो गया वो बच्चे का मोबाइल 8-10 दिन के लिए, फिर रिफंड दो. मुझे नहीं पता, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डिसिप्लिन होंगे. क्वेश्चन, व्हाई इज इट सेड प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड? क्या बात है, समबडी इज टेस्टिंग ऑल्सो. मैं बोलने का इंतजार था कि किसी का रिंग भी पड़ गया. दिस इज गुड. क्वेश्चन, क्यों कहा जाता होगा ऐसा? डिस्टर्ब हो जाता है. गुड क्वेश्चन पूछूं, मोबाइल फोन का इन्वेंशन मनुष्य ने मनुष्य के बेनिफिट के लिए किया या डिस्टर्बेंस के लिए किया? हाँ जी, दोनों के लिए. मनुष्य ने मोबाइल बनाया मनुष्य के बेनिफिट के लिए, कन्वीनियंस के लिए या डिस्टर्बेंस के लिए? हाँ जी,
अच्छा, कन्वीनियंस के लिए बना ला, फिर तो फिर डिस्टर्बेंस कहाँ पर है? एक्सेस। प्रॉब्लम पता है क्या है? मान लीजिए, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मुकेश भाई ने तो नहीं रिक्वेस्ट किया, इट्स ओके, बट कैन आई रिक्वेस्ट? ओके, प्लीज डोंट कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ साइलेंट मोड, डोंट कीप इट ऑन अ स्विच्ड ऑफ मोड और वाइब्रेटरी मोड, कीप इट ऑन एन एक्टिव मोड। कुछ लोग तो मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, माई गॉड, ये व्यक्ति ना कुछ अलग ही नजर आ रहा है, ठीक है ना? आई मीन ही इज स्पीकिंग एब्सोल्युटली द अदर वे अराउंड एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैंने 10 साल पढ़ाया है मुंबई यूनिवर्सिटी में, माई फर्स्ट स्टेटमेंट यूज टू बी टू माई स्टूडेंट्स इज कीप योर सेल फोन्स ऑन एक्टिव मोड। कैन आई रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, मेरा सेशन खत्म होने तक, प्लीज कीप योर माइंड ऑन अ साइलेंट मोड। डिस्टर्बेंस वहां नहीं होता है, डिस्टर्बेंस इधर है। यस और नो? किसी का अभी जैसे किसी का फोन बजा, गलती से ही बजा, मे नॉट बी इंटेंशनली, सोचा था साइलेंट मोड में करके आया हूं, एंड समबडी कॉल्ड और वो बज गया, ठीक है ना? एक किसी व्यक्ति का मोबाइल बजता है, बाकी सब 300 लोगों का ये बजता है। यस सर नो? मैं निजाम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स, और वहाँ मेरा जो विषय था दैट वॉज द पावर ऑफ साइलेंस, और वहाँ के जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थे वो भी भूल गए बताना कि कीप्स योर सेल फोन्स ऑन अ साइलेंट मोड। आई स्टार्टेड, एक डॉक्टर सर का मोबाइल बजा, सो मास्टर ऑफ सेरेमनी मेरे पास आए, मुझसे माइक लिया, बोला गिरीश जस्ट वन मिनट। आई सेड गो अहेड सर। माइक लेकर उन्होंने फिर कैटेगोरिकली मेड अ स्टेटमेंट, प्लीज कीप योर सेल फोन्स ऑन अ साइलेंट मोड, नो डिस्टर्बेंस। तब मैंने ये बात वहाँ पर कही कि मोबाइल फोन भले एक्टिव रहने दो, इसको थोड़ा साइलेंट मोड में कर दो। जैसे मैंने ये कहा तो वहाँ एक ऑनररी रिटायर्ड थे, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, बोला मिस्टर गिरीश आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आई सेड सर प्लीज गो अहेड। उन्होंने कहा आपकी बात है ना मुझे अच्छी लग रही है, बस एक छोटा सा चैलेंज है। मैंने कहा क्या चैलेंज है? उन्होंने कहा गिरीश उस मोबाइल में ना बहुत सारे मोड हैं, साइलेंट मोड, वाइब्रेटरी मोड, फ्लाइट मोड, मीटिंग मोड, एक्टिव मोड, मे बी इन द डेज टू कम यू विल हैव प्लेथोरा ऑफ मोड्स, और भी बहुत सारे मोड आ सकते हैं। मैंने कहा करेक्ट। उन्होंने कहा गिरीश यहाँ भी बहुत सारे मोड हैं, गुस्सा मोड, किसी की सफलता को देख के जलने वाला मोड, डर मोड, ईर्ष्या मोड, इनसिक्योरिटी मोड, जेलसी मोड। यस और नो? मैंने कहा करेक्ट। फिर उन्होंने कहा गिरीश भाई उस मोबाइल को साइलेंट करना तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑल यू नीड टू डू इज टू स्विच ऑन योर सेल फोन, ड्रॉप डाउन साइलेंट बटन को टक दबा दो, परमानेंटली पेरिनियली इसमें से आवाज नहीं आएगा। और अगर आपने एक दिन तक उसको एक्टिव मोड में नहीं रखा और किसी ने आपको 100 कॉल भी कर दिए, मजाल है, इसमें से आवाज तक नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल। मैंने कहा परफेक्टली करेक्ट। उन्होंने कहा गिरीश यहां पर कौन सा बटन दबाना है जिससे मेरा मन साइलेंट हो जाए? वहां तो पता है। एंड दैट्स वेयर द आयरनी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंसेस। हम जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मोबाइल टेक्नोलॉजी, लाइफ की टेक्नोलॉजी। ह्यूमन टेक्नोलॉजी में वी आर आउटडेटेड, वी आर रिडंडेंट, वी आर ऑब्सोलीट, एंड वी डोंट नो हाउ टू कीप आवर माइंड ऑन अ साइलेंट मोड। फ्यू टाइप्स ऑफ क्लटर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक है जिसको हम कहते हैं डिजिटल क्लटर, माई ईमेल इज फुल ऑफ जंक्स, और वो भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। मे बी मेरा सेलफोन या व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, कभी कभी तो देखने के लिए ही टाइम नहीं है, डिजिटल क्लटर। फिर है मटेरियल क्लटर, घर में भी ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिनका मैंने पिछले 6 महीने में एक भी बार उपयोग नहीं किया, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग इट, इट इज़ ऑफ नो यूज, लेकिन ज़रूरत पड़ सकता है, आगे कभी मौका आ सकता है उसको, अभी तक इट इज़ ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्लटर या मटेरियल क्लटर।
थर्ड इज बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत सटल है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, एंड दैट इज मेंटल क्लटर। मेंटल क्लटर में पता है क्या होता है, दूसरे लोगों ने जो जो बातें कही है ना वही चालू रहता है यहाँ पे। इट इज द वॉइसेस ऑफ अदर्स दैट आई कीप हियरिंग टाइम एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड बेसिकली मेंटल क्लटर इज इक्वल टू फियर, डर। बहुत प्रकार के डर हो सकते हैं, शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। मेंटल क्लटर का एक और इशू है, मेंटल क्लटर इज आई डोंट हैव क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट। क्लटर है माना ही, मुझे ही नहीं पता करना क्या है इसके साथ। मैंने एक ईमेल पढ़ा, पता नहीं क्या करना, इसको छोड़ दो, रख दो। यू आर नॉट डिसाइसिव इनफ टू टेक एनी डिसीजन, दैट इज मेंटल क्लटर। थर्ड वेरी चैलेंजिंग इज इमोशनल क्लटर, भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा कचरा हमने यहाँ पे जमा करके रखा है। एंड इसको सिंपल भाषा में कहूँ, इट इज़ द काइंड ऑफ ओपिनियन आई हैव फॉर माई सेल्फ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, चाहता तो हूँ बिजनेस करने का लेकिन नौकरी क्यों छोड़ दूँ, नौकरी छोड़ूंगा तो फिर सिक्योरिटी भी नहीं है, बिजनेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, सब मतलबी दुनिया है, सब मतलब से मुझसे प्यार करते, और रो खुद रहा है, दैट इज इमोशनल क्लटर। एंड द लास्ट वन कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, विच इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल क्लटर। स्पिरिचुअल क्लटर इज टू डू विथ वेरी डिवाइन वर्च्यूज, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, माफ कभी नहीं करूंगा तेरे को, इतना कंफ्यूजन है कि माफी नहीं कर पाऊंगा, आई लैक द स्ट्रेंथ टू फॉरगिव, आई लैक द स्ट्रेंथ टू मूव अहेड, आई लैक द माय ओन इनिशियल स्ट्रेंथ टू लेट गो थिंग्स, कर ही नहीं पाता हूं। और मेंटल क्लटर है, इसका प्रमाण ये है, द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट टू लीड आई एम नॉट एबल टू लिव, ईजी ब्यूटिफुल सिंपल वो लाइफ में जी नहीं पाता हूँ। बस मैं आपको दो टूल्स देता हूँ आज पॉसिटिव ऑफ टाइम की वजह से। द फर्स्ट टूल, प्लीज़ एडिट योर ओन स्टोरी। हम है ना, हम सब है ना स्टोरी बनाने में बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं आप और मैं, घटना इतनी सी होती है लेकिन स्टोरी 10 पन्ने की होती है, और उसमें मैक्सिमम जो स्टोरी के जो कंटेंट होते हैं ना, उस किसी और का ओपिनियन, किसी का परसेप्शन, किसी का जजमेंट, किसी ने क्या सोचा, वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच, वो ही है स्क्रिप्ट में। प्लीज एडिट योर स्टोरी। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, यू नो वन ऑफ माय फर्स्ट जॉब वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन मुंबई, मेरे जो बॉस थे ना, जो मैं काम करता था ना उसको डबल चेक करते थे हमेशा, एक आंख मेरे ऊपर ही होती थी, एंड आई नेवर अप्रिशिएटेड इट, और उसकी वजह से आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, आई वॉज नॉट लीडिंग द लाइफ विच आई वॉन्टेड टू लीड, वेरी फ्री इंडिपेंडेंट, और मुझे पता था सर की एक नज़र है ना मेरे ऊपर ही रहता है, और उसकी वजह से आई वॉज स्ट्रेस्ड। अब जो जो आपके मन में आता है ना, किसी घटना किसी सिचुएशन को, उसके लिए आप एक स्टोरी लिखो, जो जो आपके मन में आ रहा है। पता है मैंने क्या क्या उसके पीछे लिखा, ए बॉस डजंट ट्रस्ट मी। Whether boss doesn't trust me is a reality or my cooked up, क्या बोलते डायलॉग है, यहां पर गड़बड़ है। स्ट्रेस कभी भी रियालिटी या घटना या व्यक्ति को लेकर कभी नहीं होता है, इट इज द स्टोरी आई एम राइटिंग बिहाइंड द रियालिटी क्रिएट्स स्ट्रेस, क्रिएट्स द क्लटर, वहां पर गड़बड़ है। आप लोगों को टेंशन होता है, हाँ या ना? कितने दुखी होके बोल रहे हैं, जिनको टेंशन होता है जरा हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा क्या बात, यहाँ तो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द टीचर्स यूनियन बैठे हैं, मैडम कहती है सबको होता है, काय को हाथ उठा रहा है, ठीक है, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट अदर्स। आप में से कोई हैं जिनको टेंशन नहीं होता है, जरा हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा बहुत, जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ ना, आप में से कोई है जिनको टेंशन नहीं होता है, 90% लोग आजू बाजू देखते कौन है, कैसे बच गया ये, ऐसे कैसे हो गया, हमारे कॉलेज में आ जाओ एक बार पता चल जाएगा, ठीक है। ओ गॉड, आई मीन यू शुड फील हैप्पी दैट
मेरे बाजू वाले को टेंशन नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कचरा है इधर, इसको कैसे बच कैसे गया ये, या तो झूठ बोल रहा है या फिर इंप्रेस करने के लिए बोल रहा है। एनीवे, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है कृपया करके हाथ ऊपर उठाएं। ये कौन से कैटेगरी में है? ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है क्योंकि जब मैंने पूछा आपको टेंशन होता है क्या, फिर मैंने पूछा जिनको टेंशन नहीं होता वो हाथ ऊपर उठाओ, अभी थर्ड कैटेगरी है। अब थर्ड कैटेगरी को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं, थर्ड कैटेगरी इज द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी। पता है ये कौन सा कैटेगरी है? ये मुझसे पूछ रहे तू बता हमको टेंशन होता है कि नहीं होता। आई डोंट नो वेदर, हाउ डू आई नो वेदर आई हैव स्ट्रेस और नॉट, यू टेल मी वेदर आई हैव गॉट स्ट्रेस और नॉट। गुड। मैं इंडियन नेवी का एक बार प्रोग्राम कर रहा था कोचिन में, वेरी सीनियर ऑफिसर्स 15, बहुत सीनियर ऑफिसर्स, वी हैड अ 2-डे प्रोग्राम, 12 आवर्स ऑफ वर्कशॉप ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस, रादर एलिमिनेटिंग स्ट्रेस। तो मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आप में से जिनको टेंशन होता हाथ ऊपर उठा दिए, काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा जिनको टेंशन नहीं होता वो हाथ ऊपर उठा, देयर वाज वन ऑफिसर हु रेज्ड हिज हैंड। मैंने कहा सर जी प्लीज़ आप इधर आइए, मैं तो ब्रह्मा कुमारी से आया हूँ, आप तो इंडियन नेवी के हैं, आप तो यू नो इन एंड आउट कैसे काम होता है नहीं होता है, क्या गड़बड़ है, पॉलिटिक्स खींचाता नहीं, यू नो एवरीथिंग। आप अपने विचार रखिए कि उस एनवायरनमेंट में उस कल्चर में रहते हुए हाउ यू हैंडल स्ट्रेस। ही फील्ड रियली हैप्पी, ही वॉक्ड ग्रेसफुली, स्टूड नेक्स्ट टू मी, और मैं उनसे प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहा था, हाथ मिलाया, उनका नाम पूछा, सर आपका पोस्ट क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या आपका प्रोफाइल है, जस्ट यू नो ब्रेकिंग द आइस। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो उनके जो ऑडियंस में दो लोग इनके जो फ्रेंड थे वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे इनको देखकर। मैंने वो सर को ऊपर से नीचे तक देखा, हंसने जैसी तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही थी। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। मैंने वो ऑफिसर को कहा सर जस्ट अ मिनट कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा व्हाई इज इट दैट योर टू कलीग्स आर लाफिंग एट यू, आपके दो साथी आपको देखकर पेट पकड़ पकड़ करके क्यों हंस रहे हैं? ये जो ऑफिसर थे ना, इनको आया बड़ा गुस्सा, आंखें बड़ी करके आवाज ऊंचा करके उन्होंने मुझसे क्या कहा पता है, मिस्टर गिरीश हंस वो रहे हैं, सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? मैंने कहा सर ये भी बात करेक्ट है। मैंने कहा सर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, ठीक है, इट वॉज अ राइट क्वेश्चन बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ रॉन्ग पर्सन। जरूरी नहीं है सुनने वालों को ही टेंशन होता है, कभी कभी सुनाने वालों को भी टेंशन हो जाता है। मैंने कहा आई एम सो सॉरी सर, लेट मी आस्क द क्वेश्चन टू द वन हु इज लाफिंग। उनके जो दो फ्रेंड थे उनको मैंने कहा प्लीज आप हंसना बंद करिए, पहले ये बताइए आप हंस क्यों रहे हैं। तो उनमें से उनके एक फ्रेंड ने कहा मिस्टर गिरीश द जेंटलमैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, जो महानुभाव आपके बाजू में खड़ा है ना, ये टेंशन लेता नहीं है। माय गॉड, आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भी पता है, मैं तो इंडियन नेवी के बारे में बात कर रहा था, भारत के टीचर्स के बारे में नहीं बात कर रहा था। ओ ब्रदर, टू गुड टू गुड। आप लोग टेंशन लेते हो कि देते हो? प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, एचओडी से लेना ही पड़ता है, और अपने जूनियर्स को जाकर ये लेन देन का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, बड़ों से लेना और छोटों को। माय गॉड, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं? आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है इसका मतलब मेंटल क्लटर है, एंड स्ट्रेस इज योर ओपिनियन अबाउट द रियालिटी, द स्टोरी दैट यू राइट अबाउट द रियालिटी। और जितना भी साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है उस स्टोरी में, उसको सब डिलीट करते जाइए। मुझे लगता था मेरा बॉस मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है, वो हाई हैंडेडनेस है, वो जूनियर्स को दबा के रखना चाहता था, दिस वॉज ऑल माई ओपिनियन अबाउट अ सर्टन इवेंट दैट हैपेंड। वो ट्रुथ है नहीं है क्वेश्चन मार्क था, उसको सब डिलीट करते गया, डिलीट करते गया, डिलीट करते गया। फाइनली ना मेरा स्टोरी जो 4 पेज का था ना, केम डाउन टू 2 लाइंस, दैट माई बॉस चेक्स ओवर मी, दैट इज हिज स्टाइल। मेरे को क्यों स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्यों एजिटेट हो रहा हूँ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, वाई एम आई फीलिंग माई माइंड विथ 4 पेजेस ऑफ स्टोरी? कचरा, डस्टबिन है क्या मेरा माइंड? वेयर इज दिस इग्नाइटेड माइंड?
प्लीज कट डाउन ऑल द स्टोरीज. इस संसार में ऐसा कोई इवेंट, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे स्ट्रेस दे सकता है. इट इज माई रिस्पॉन्स, इट इज द माइंड का मेरा जो चैटरिंग है विथ रिस्पेक्ट टू द रियलिटी विच कॉजेज मी स्ट्रेस. नंबर वन टूल, किसी भी बात को लेकर आज तक आपका जो मेंटल स्टोरीज है ना उसको एडिट करिए. नंबर टू, दिस मीन्स दैट, इसको भी डिलीट कर दीजिए अपने यहाँ से. दिस मीन्स दैट, जब मैं एक नया कंपनी में पुराना कंपनी छोड़कर आई जॉइंड अ न्यू कंपनी और विद इन 6 months मुझे और भी लोगों ने ज्वाइन किया था. जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं हर सीनियर को गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करता था. व्हेन आई वाज 6 months ओल्ड इन द कंपनी एंड फ्यू जूनियर्स ज्वाइंड, और एक बार मैंने देखा कि उसमें से एक जूनियर जो था ना वो मुझे गुड मॉर्निंग ही नहीं करता था. वो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करता है, दिस मीन्स ही इज रूड, ही डजेंट हैव द बेसिक कॉमन सेंस टू रिस्पेक्ट, और दिस वॉज ही डज नॉट, ही डजेंट विश मी, और दैट का लिस्ट है ना न्यूज़पेपर साइज जैसा मैंने लिख दिया. वो रूड है, समझता है कि अपने आप को रिस्पेक्ट देने की भावना नहीं है, इसको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है, इसको एटिकेट्स पता नहीं है. दिस मीन्स दैट, दिस इज माई वॉइस. वो क्या है क्या नहीं है उसके पीछे का रियलिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर साइज का कचरा अपने यहाँ पर भर दिया है, क्लटर. वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ एंड रियलिटीज ऑफ लाइफ. और जब तक हम अपने मन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हमारा लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होगा. आई हैव गॉट 2 more minutes फ्रेंड्स. एक चीज करें इस मन को ऑर्गेनाइज करने का, मेरा ये स्टैंडर्ड पेट एक्सरसाइज है, कर सकते हैं. ये मेंटल क्लटर पता है क्या करता है, खुद भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चों में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. प्राइमरी स्कूल टीचर क्लासरूम में आती है, बच्चे ना, छोटे बच्चे ना बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फिनिकी होते हैं, चंचल होते हैं, शांति से नहीं बैठते. बड़े बच्चे तो फिर भी बैठ जाएंगे, मस्ती करेंगे भी तो छुपा के करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे छुपा के नहीं करते, एवरीथिंग इज अप. पता है ये प्राइमरी स्कूल टीचर आकर क्या करती है, हाथ में डस्टर लेती है, वो जो टेबल होता है ना, और चिल्ला के कहती है मेंटेन साइलेंस. सामने बैठी एक छोटी बच्ची है ना, टीचर को कहती है मैडम धीरे बोलो ना. यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग साइलेंस बाय स्क्रीमिंग. दिस इज अ क्लियर कट प्रूफ दैट दिस टीचर इज नॉट क्लियर, ही डज नॉट नो हाउ टू एस्टैब्लिश साइलेंस. And I am trying to establish silence through fear psychosis. The least a teacher should do is to teach. ये सब मेरे quote नहीं है. The maximum a teacher should do is to inspire, is to influence, is to create an impression about the subject, about studying, about learning, about the engagement. And that's the beauty of, you know, the clarity. And ये तभी हो सकता है when I love being a teacher, when I'm passionate about who I am as an individual. I don't go to my college to work. आप है ना इस कैंपस में है ना और 2 दिन रहेंगे यहाँ, एक एक श्वेत वस्त्रधारी जिसने ये बैज लगाया उनको जहाँ पूछना आप यहाँ पर कितना दिन से काम करते हैं, यहाँ कोई काम नहीं करता है. हम सब यहाँ पर जीते हैं. Nobody works here इन ब्रह्मा कुमारी. एक एक का चेहरा देखना, एक एक वो माताएं आपको जो खाना परोसती है उनका चेहरा देखना. एंड ब्रह्मा कुमारी डजंट पे 1 single rupee टू ऑल दीज पीपल, इट्स वॉलेंट्रली. कितना नशे से, कितना आत्मीयता से, कितना भाव से, यही तो सब हम चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा मन से पढ़ ले, अपने आप पढ़ ले. वाई शुड आई फोर्स समबडी. और यहाँ पे देखिए, नोबडी इज फोर्सिंग एनीबडी. Everybody is doing because I like to do, because that gives me the meaning of my existence, because this is me. अगर ये हो सकता है, ये तभी आ सकता है. ये सब हमारे में क्यों आया, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं ना, आप अभी यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आप देखेंगे, मृत्युंजय भाई, हमारे बड़े वरिष्ठ दीदियाँ दादियाँ, उन सबको हमने देखा है. उनको देखकर हमें कभी नहीं लगा कि ये काम कर रहे हैं, उनको देख करके लगा कि दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल सर्विस.
उनका नशा, उनका डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी, उनका डिसिप्लिन, क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कहावत है, वैल्यूज आर नेवर टॉट, वैल्यूज आर कॉट। क्या मैं क्लियर हो सकता हूं? कैन आई बी एन एग्जाम्पल एंड अ सैम्पल फॉर अदर्स, एंड इफ दिस आई कैन एस्टैब्लिश, लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई आस्क्ड सचिन रमेश तेंदुलकर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? ही हैड ओनली वन आंसर, वन लाइन, आई लव क्रिकेट। लता मंगेशकर को पूछा, आपके जीवन का सफलता का राज? वो कहती है, मैं जीती हूं जब गाती हूं। मंडे मॉर्निंग जब कॉलेज जाना होता है तो हमारा चेहरा कैसे होता है, और सैटरडे शाम को जब हम कॉलेज से वापस जाते हैं तो हमारा चेहरा कितना अच्छा होता है। ओह माय गॉड, संडे इज लाइफ, मंडे टू सैटरडे इज वर्क। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो टू गुड है। चलिए, आई टेक टू मोर मिनट्स। अपने आप को अच्छा बनाएं, इसको क्लियर करें, जो कुछ है रहने दीजिए, आज से क्लियर कर लेते हैं। इट्स अ लिटिल फनी एक्सरसाइज बट आई लव दिस एक्सरसाइज। दोनों हाथ ऐसे करिए, वाव। इसको अपने ओठों के किनारे रखिए। हाँ, कैमरा वाले भाई, हाँ खींचिए फोटो इनका, ये मैं आपको लैमिनेट करके दूंगा, ठीक है? हाँ, इसको ऊपर की ओर धक्का लगाइए, पुश इट अप। मैं अभी इंडियन आर्मी का प्रोग्राम कर रहा था कश्मीर में, तो वहाँ एक ऑफिसर कहते, सर डू यू नीड अ जैक टू स्माइल, दिस इज जैक। सब मुस्कुरा रहे हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ऐसे ही चेहरा रखकर हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए। एक छोटा सा निवेदन है, कल सुबह के 11 बजे तक ऐसे ही रहिएगा, यहाँ से ऐसे उठ के जाना। दोपहर को लंच करने के लिए जाना, और मान लीजिए आपको करेले की सब्जी पसंद नहीं है और वो ही बनाया है, अपनी वाइफ को देखना और कहना, आई लव यू, तू खा ले ये भी, ठीक है ना? मैं आज अचार के साथ खा लूंगा, दही के साथ खा लूंगा, दाल के साथ खा लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, इरिटेट नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि हम टीचर्स, देश का भविष्य बनाने वाले, भविष्य उज्जवल भविष्य बनाने वाले, एक करेले की सब्जी डिस्टर्ब्स मी? व्हाट पीएचडी, व्हाट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन? इफ अ करेला कैन डिस्टर्ब यू, देन आई हैव सीरियस क्वेश्चंस ऑन योर सर्टिफिकेट्स, अवार्ड, अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस। यस और नो, कर सकते हैं? ठीक, ये कल का मतलब है घर जाने के बाद से, हाँ अभी से नहीं, यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा है, ठीक है? जैसे ही आप घर जाएंगे, अपने शहरों में जाएंगे, मान लीजिए आप अपने घर से अपने कॉलेज तक, यू आर ड्राइविंग डाउन, ठीक है, एंड आप गाड़ी चलाते समय पीछे से किसी गाड़ी ने आके आपको टक्कर मार दी, तो पता है आपको क्या करना है? मुस्कुराकर गाड़ी खोल के पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, वो थोड़ा घबराया हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, पता नहीं अब आप क्या बोलने वाले, थोड़ा रिलक्टेंट होगा टू पुट द विंडो पेन्स डाउन, फिर भी अब आप चल कर उसके पास जा रहे हो, विंडो पे नीचे करेगा वो पीछे वाला। आपको 3 महावाक्य उच्चारण करने, क्यों? क्योंकि यू हैव एन इग्नाइटेड माइंड, यू ऑपरेट आउट ऑफ एन इग्नाइटेड माइंड, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द चॉइसेस यू हैव, देयर इज नो स्टोरी, देयर इज ओनली रियलिटी, एंड आई ऑपरेट माई लाइफ आउट ऑफ रियलिटी। पीछे वाले ड्राइवर को मुस्कुरा के कहना, भैया चोट तो नहीं लगी आपको? वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा और ऐसा सोचेगा कि ये धरतीवासी नहीं लग रहे हैं, ठीक है? मैंने इसका नुकसान पहुंचाया और ये मेरी चोट की चिंता कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहना, भैया क्या टक्कर मारी है आपने, आ हा हा, कंफर्म्ड हो जाएगा कि यू आर नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना? वो फिर भी पूछ सकता, आपको पूछेगा क्या हुआ, उनको कहना क्लटर नहीं है बुद्धि में, ठीक है ना? शुद्ध हूँ, साफ हूँ, क्लियर हूँ, एब्सोल्युटली आई नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू फील अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। तीसरा स्टेटमेंट कहना, ये कहने से ही ना आपका जो राइट होने का जो ईगो है ना, सामने वाला नुकसान पहुंचा रहा और आप राइट हो, उसका भी गुस्सा आता है, उसका भी ईगो है, राइट होने का भी ईगो है, उसको ना शीतल जल, उसको थोड़ा ठंडक मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट, मुस्कुरा के कहना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही तो कहते हैं ना अल्टीमेटली, यही तो कहना है ना। वाई कांट यू डू इट विथ कंप्लीट स्टेबिलिटी, बीइंग इन कंप्लीट कंट्रोल, विथ पीस ऑफ माइंड, फीलिंग नाइस?
क्वेश्चन पूछूं, हम चिल्ला के आंखें बड़ी करके ब्लड प्रेशर चढ़ाकर उसको दो चार सुना करके क्यों कहते हैं? क्या वो पैसे दे देगा? कोई गारंटी नहीं है। आप पूछिए प्रोफेसर गिरीश, क्या मुस्कुरा के प्यार से इन कंट्रोल होके कहने से वो पैसे दे देगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का गारंटी है, हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यू विल बिकम अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। उसको कहना मुस्कुरा के, तुझे नहीं छोड़ूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, मरते दम तक पैसा वसूल करूंगा, बट आई विल नॉट लीव। आई एम स्ट्रांग इनफ, आई हैव द कन्विक्शन टू ऑपरेट माई लाइफ आउट ऑफ एन इग्नाइटेड माइंड, नॉट विद अ क्लटर्ड माइंड, नॉट विद अ कन्फ्यूज माइंड, नॉट विद अ बॉदर्ड माइंड, Not with doubts in my mind. और जिसका मन बहुत सशक्त है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमात्मा आकर इस शक्ति को, मनोबल को, मन की शक्ति को कैसे ठीक करना है, उसके लिए राजयोग का अभ्यास कराते हैं। मेडिटेशन से हमें वो क्लैरिटी आता है, मेडिटेशन से उसमें शक्ति आता है टू डू द राइट एंड टू अब्स्टेन फ्रॉम द रॉन्ग। ठीक है, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराएंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है। आप जब घर जाएंगे ना अपने, तो आपके घर वाले आपको देखकर बोलेंगे, मम्मी माउंट आबू जाने के पहले तो आप नॉर्मल थी, जब से आप वहां से आए हैं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है, हो सकता है। यू वेर एंटाइटल टू बिकम द HOD, बट somebody एल्स was मेड HOD। मेहनत मैं करूँ, सिंसियर मैं हूँ, फीडबैक मेरा है, लेकिन प्रमोशन कोई और लेके जाता है। हो सकता है, हो सकता है। अब दिस इज रियलिटी। बुरा फील करना इज द स्टोरी यू आर राइटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड बींग विथ यू। विल डू 1 मिनट मेडिटेशन। सीधे बैठिए, स्ट्रेट, हल्के होकर के बैठे, बॉडी को रिलैक्स कर दें। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन इज टू बी प्लेजेंट टू yourself, इज टू बी गुड टू yourself, इज टू लव yourself, इज टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ yourself, इज टू बी अ वेल विशर ऑफ yourself। अपने आप से बातें करें, आपको रिपीट नहीं करना है, जस्ट फील करना है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूं, महान हूं, शुद्ध हूं, पावरफुल हूं, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी एंड आई लव माई सेल्फ फॉर हु आई एम। ये सत्य है कि मेरे में कुछ कमी कमजोरियां भी हैं, आई हैव सम वीकनेसेस ऑल्सो, आई विल रिड्यूस माई वीकनेस, आई विल वीकन माई वीकनेस, आई हैव स्ट्रेंथ्स, मेरे में कुछ विशेषताएं भी हैं, गुण भी हैं, शक्तियां भी हैं, आई विल स्ट्रेंथन माई स्ट्रेंथ्स and weaken my weakness, I'll become a more beautiful personality, a more pleasant teacher, a very wonderful mother, a great inspirational professor. I would create influence to each and everyone I meet. मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा, खुश रहूंगा और सबको खुशियां बांटूंगा, क्योंकि मैं सशक्त हूं, मेरा मन शक्तिशाली है। आई एंजॉय बीइंग अ टीचर, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर। मेरे द्वारा अनेक नवयुवकों को एक अच्छी दिशा और एक अच्छा दिशा देने का सौभाग्य मेरे जीवन ने मुझे दिया है। मैं
टीचर के इस रोल से 100% संतुष्ट हूँ और दूसरों को सदा प्रोत्साहित करता रहूंगा। I love myself for who I am easy, I am simple, किसी बात का बोझ नहीं, किसी बात का लगाव नहीं, किसी बात का खिंचाव नहीं, मुक्त हूँ, हल्का हूँ, relaxed हूँ। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। धीरे से आंखें खोलें, अगर आपने आंखें बंद की हो, दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं, माथे को, आंख को, गाल को, नाक को, चीक, चिन। गुड न्यूज़, फेयर एंड लवली लगा दिया, सदा फेयर रहना और सदा लवली। थैंक यू, विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, विशिंग यू कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस टू योर ब्यूटिफुल फैमिलीज बैक एट होम, टू योर एक्सटेंडेड फैमिली इन योर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन योर डिपार्टमेंट। आप सब, आपका भविष्य बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू, ओम शांति।